नमस्कार, नाम पोदिगे से मैं हूं शाह। आज के ताजा खबर के साथ काके आप अभी काके तो मैं सुना दूंगा, लेकिन आप मीडिया की जब बात हुई तो मैं दो लाइन ये कहूंगा कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है कोई और होगा वो जो कलमकार है, क्योंकि वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं होता है फिर वो कलमकार नहीं होता। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक कवि हूँ, कवि होने के नाते देश में इतने कवि है जो पैसा कमा करके ले जाते हैं मंचों से, लेकिन आज किसानों की जरूरत पड़ रही है तो कोई कवि यहाँ पर आकर के बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तब मैं कह रहा हूँ कि या तो बच्चरन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी सच को लिखने से और कहने से हिचकिचाएंगे, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। और आज हम सच कहने की कोशिश कर रहे हैं, और सच ये है कि भूख गरीबी बेकारी संगे, भूख गरीबी बेकारी संगे हद कर दी अपमान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, भूख गरीबी बेकारी संगे हद कर दी अपमान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, जब जब वोट की पड़े जरूरत सपने खूब दिखाते हैं। ज्योति भाई ने कहा कि जब जब वोट की पड़े जरूरत जुमले खूब सुनाते हैं, जिनकी बदौलत सीट मिली उनको ही खूब रुलाते हैं। अरे यूं तो भाषण में डर जा भगवान तलक का देते हैं, यूं तो भाइयों बहनों किसान अन्नदाताएं, यूं तो भाषण में डर जा भगवान तलक का देते हैं, लेकिन इस भगवान की तो ये जान तलक ले लेते हैं। इन्हें पता क्या कीमत होती, इन्हें पता क्या कीमत होती खेतों के भगवान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, मजबूरी में हमने इसको जहर भी चखते देखा है। इससे बड़ी विडंबना देश की क्या होगी, मजबूरी में हमने इसको जहर भी चखते देखा है, खेती के कर्जे में बच्चे गिरवी रखते देखा है। अरे वो क्या जाने जून की आग में कैसे खेत में जलते हैं। लड़ाई कहाँ पर है, यहाँ पर लड़ाई यही है। क्या लड़ाई है, पानी के लिए लड़ाई क्या है, मैं बता रहा हूँ, दो लाइन में आ जाएगा। अरे वो क्या जाने जून की आग में कैसे खेत में जलते हैं, जो अंबानी और अडानी के संकेत पे चलते हैं, खाक दशा बदलेंगे ये मोदी जी हिंदुस्तान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, इधर हुई बर्बाद फसल से मन में घोर निराशा है, उधर जमा होती बिटिया की खत्म हुई सब आशा है, इसी निराशा में अगले पल वो फांसी पे लटकते हैं, और सियासत के बाजार में कुछ दिन मोम पिघलते हैं। अरे माँ का हरण करे वो क्यों, माँ का हरण करे वो क्यों, सोचेगा कन्यादान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कि। और अंत में दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानियों की कमी है, इसीलिए एक आदमी कभी चायर कभी गाय करता करता पहुंच जाता है और फिर किसानों के सीने पे चढ़ जाता है। तब मैं कह रहा हूँ कि लाल बहादुर और शहीदों के अरमान चला बैठे, लाल बहादुर भगत सिंह के हम अरमान चला बैठे, क्योंकि हम ही चौकीदार को यारों जागीरदार बना बैठे, लेकिन अपनी माँ का बिना चीर हरण होने देंगे, कुछ भी हो जाए अपना सम्मान ना भी खोने देंगे। ये आवाज मेरे गांव अजमेर के पास केकड़ी वहां तक भी पहुंच रही होगी, मेरे वहां के किसान भी खुश हो रहे होंगे कि कोई तो हमारा आदमी है जो दिल्ली में जाकर हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो कुछ भी हो जाए अपना सम्मान ना भी खोने देंगे, समझनी होगी हमको कीमत,
समझनी होगी हमको कीमत पुरखों के बलिदान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। भूख गरीबी बेकारी संग हद कर दी अपमान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। और जाते जाते आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, हम लोगों का गुस्सा है, हम किसानों का गुस्सा है, और हम गुस्से के अंदर एक चीज कह रहे हैं कि जो जो वर्तमान हालात क्या है ये, हम हालात ये, और हम फिर ये क्या कर सकते हैं, वो ये है कि मजबूर को दिखा के आंख अफसर कहे काम हो जाएगा के बंगले पे चेक दो। कि मजबूर को दिखा के आंख अफसर कहे काम हो जाएगा के बंगले पे चेक दो, और चेक या नकद का जुगाड़ नहीं हो पाए तो किसी रेपुटेड नेता जी कला के चेक दो। तो ऐसे में तो लगता है सारे भ्रष्टाचारियों को बिहार की जेल में ले जाके यारो टेक दो। और मांग सरकार अन्नदाता की जो ना माने तो सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो। मांग सरकार सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो। सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। देखिए क्या खूब एक किसान की दुर्दशा जो है हिंदुस्तानी भाई ने यहाँ पर कही है, और अपने गीत के माध्यम से किसान की दुर्दशा और उसकी पूरी कहानी आपके संग रखी है। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए। आप सभी को मैं कहूंगा एक बार ताली जो है किसान हिंदुस्तानी भाई के लिए जरूर बजाए। பாரத பிரதமர் நேற்று அறிவிக்கிறார், விவசாயிகள் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டது, அவங்களுக்கு லாபகரமான விலை கிடைச்சிருச்சு, மகாராஷ்டிரா ஒரு விவசாய ஏமாத்திட்டா கோர்ட்ல போய் ஆர்டர் வாங்கி கொடுத்துடும் அப்படிங்கிறார். சட்டத்தில் என்ன தெரியுமா சொல்லுது, சட்டம் செக்ஷன் 18 அண்ட் 19 பாருங்க, சட்டத்தில் சொல்லியிருக்கு சிவில் கோர்ட் ஹேஸ் நோ ஜூரிஸ்டிக்ஷன், நோ சூட் ஆர் ப்ராசிக்யூஷன் எகென்ஸ்ட் த ஆர்டிஓ தாசில்தார் அண்ட் கலெக்டர்னு சொல்லியிருக்கு சட்டத்தில். ஆனால் பொய்யான தகவலை ஒரு பிரதமர் சொல்லாமா? எங்களை காப்பாற்ற வேண்டிய பிரதமர் லாபகரமான விலை தரேனார ரெண்டு மடங்கு. என் நெல் 14 ரூபா வச்சு அவர் ஆட்சிக்கு வரும்போது கிலோ, எனக்கு 42 ரூபா கொடுக்கணும், ஒரு மடங்குனா 28 ரூபா, ரெண்டு மடங்கு 42 ரூபா கொடுக்கணும். அவர் கொடுத்த எவ்வளோ தெரியுமா, 18 ரூபா 80 பைசா, 4 ரூபா 80 பைசா ஏற்றிருக்காரு. அதே போல் கரும்பு 2500 ரூபா விற்றுச்சு, அன்னைக்கு 2 மடங்கு 7500 எனக்கு கரும்பு கொடுத்துருக்கணும்,
தெரியுமா 2750 ரூபா விவசாயிய கோரிக்கை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று கூறுகிறார். என்னுடைய நெல்லுடைய தரத்தை யார் நிர்ணயம் பண்ணுவா? கார்பரேட் கம்பெனி முதலாளிகள் செய்வானா? செய்யவே மாட்டாங்க. அதனால இந்த சட்டம் முழுக்கும் விவசாயிக்கு எதிரானது என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம். அதற்காக போராடுவோம். இன்றைக்கு வந்து காவல்துறை எங்களை டெல்லிக்கு போக விடமாட்டேங்குது, மறிச்சு மறிச்சு போட்டுருது. எங்களை வந்து ஒன்று மெட்ராஸில் போராட்டம் விடமாட்டேங்குது, திருச்சியிலையும் எங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கு. அதனால இப்ப ராக்கெட் விட்டுருக்கோம். இந்த ராக்கெட் போய் அவருக்கு பிரதம மந்திரிக்கு போயிடும். போயிட்டு அவர் எப்போ பதில் சொல்றாரோ, எப்போ சட்டத்தை வாபஸ் சொல்றாரோ, அதை வந்து இங்கே இருக்கலான்னு ஒரு முடிவு வந்திருக்கோம். Thank you.